तो दोस्तों एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ का ऐसा कॉन्सेप्ट जिन्होंने बैटरीज़ की दुनिया में एक नया तूफान ला दिया और अब यह तूफान भारत में भी आने वाला है। दूसरी भाषा में कहें तो भारत के अंदर भी अब एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि देश की 4 बड़ी कंपनियों ने इन एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ को बनाने के लिए आगे कदम रख दिए हैं और ये सारी तकनीक शेयर की जाएगी इसराइल की एक कंपनी के साथ, जो कि पूरी मदद करेगी भारत की इन 4 कंपनियों की इन एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ को भारत में बनाने के लिए। बहुत जल्द भारत के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आएंगे जहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज़ का प्रयोग ना करके एल्युमिनियम बैटरीज का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जानते हैं हम इस खास रिपोर्ट की सारी डिटेल्स। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह अनाउंस किया है कि वो इसराइल के एक ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप जिनका नाम है फाइन एनर्जी, इनके साथ मिलकर के एल्युमिनियम एयर बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर करेंगे, जिसका प्रयोग यानी कि जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो हमारे देश की बड़ी कंपनियाँ जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्राज, ये सभी कंपनियाँ अपने आने वाले व्हीकल्स हैं जैसे कि हैवी ड्यूटी के ट्रक्स, 3-व्हीलर्स, बसेस, 2-व्हीलर्स, कार्स, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे इन सभी कंपनियों के सब में एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ का प्रयोग किया जाएगा। बिकॉज दोस्तों ये एल्युमिनियम बैटरीज़ लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्की हैं, इनको ऑपरेट करना आसान है और भी बहुत सारे बड़े फ़ायदे हैं, जिसलिए यहाँ पर इन सभी कंपनियों ने टारगेट किया है भारत के अंदर इन एल्युमिनियम एयर बैटरीज़ को बनाने के लिए। और इस बात में पूरी सच्चाई है कि भारत अभी तक लिथियम पर निर्भर है चाइना के साथ साथ कई बड़े देशों पर, और अब इस निर्भरता को कम किया जाएगा और भारत के अंदर एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। बात करें हम इन एल्युमिनियम बैटरीज को चलाने के लिए तो यहाँ पर ये सिर्फ हवा, पानी और एल्युमिनियम की धातु से बड़ी आसानी से ऑपरेट की जा सकती हैं। और यहीं पर नहीं, इसके और भी कई बड़े फायदे हैं अगर हम तुलना करें लिथियम आयन बैटरीज से, तो यह लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में 1 से 1.5 किलोवाट ज्यादा तक की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। और वहीं हम लिथियम आयन बैटरीज का अगर इस्तेमाल करते हैं कार में तो उनका एवरेज होता है 150 से 200 किलोमीटर तक का, लेकिन अगर हम एल्युमिनियम एयर बैटरीज का प्रयोग करते हैं कार्स में तो उनकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो करीबन 500 से 600 किलोमीटर तक की हो जाएगी, यानी कि 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी इन एल्युमिनियम एयर बैटरीज से। और ये 100% ग्रीन होने वाली है, इससे कोई भी वेस्ट नहीं निकलता है, तो ये भारत के अंदर एक क्रांतिकारी कदम होने वाला है जो कि भारत में ग्रीन एनर्जी को लाने का एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। ये सारी जानकारी इंडियन ऑयल के रिसर्चर राम कुमार जी के द्वारा दी गई है, जिन्होंने ये भी कहा है कि इन बैटरीज का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल टावर्स और भी जितने एप्लीकेशंस हैं जहां पर डीजल इंजन्स का प्रयोग किया जाता है वहां पर इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत के अंदर प्रदूषण पर एक बहुत बड़ा नियंत्रण पाया जाएगा। तो इसराइल के साथ इंडियन ऑयल के इस नए कोलैबोरेशन के बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।